सर बड़ा बुरा हाल है, तो अभी मैं फिलहाल मैं पहन लेता हूँ ग्लव्स। तो भी मेरी खराबी है यहाँ पे, ये मेरी बुलेट का है क्लच वायर टूट गया है बिल्कुल फ्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़, एक स्पेशल ट्रिप है, तो आज होने वाली है बढ़िया सी सोलो राइडिंग। अभी मैं बस तैयार हो गया हूँ, बैग मैंने पैक कर लिया, ये रहा बैग पैक है और ये जूते हैं। अब जूते पहनने फिर सीधे निकलता हूँ। हेलमेट मेरा रेडी है, फुली रेडी, जैकेट डाल ली मैंने और शूज़ भी पहन लिया, बाकी बस अब निकलते हैं घर से। हो गया टाइम 10:30 से ऊपर हो गया टाइम, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे रोड के सफर में। अपने काम से अब मैं निकल रहा हूँ सीधे पिथौरागढ़ के लिए। अभी मैं हूँ चाफी के पास और हम धीरे धीरे आगे को, तो मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। आप देख सकते हो प्यारे से नजारे यहाँ पे है रोड के। गाइज़ अभी मैं हूँ डोलासम से थोड़ा सा आगे, अभी मुझे दिखा हैंडपम्प यहाँ पे, तो मैं पानी पीने के लिए रुक गया था। ठंड से बड़ा बुरा हाल है, तो अभी मैं फिलहाल मैं पहन लेता हूँ ग्लव्स। अभी तक मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कॉल्स मुझे आ रही थी यार अपने काम से ऑफिस के, तो उस चक्कर में अभी तक मैंने ग्लव्स पहने ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड लग गई ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, पानी नहीं पी पा रहा, मतलब हाथ ऐसा नहीं हो पा रहा, इसमें भी गैपिंग सी हो रही है, मतलब कंट्रोल नहीं है ठंड से, हो गया डेंजर। अब मैं पहनता हूँ ग्लव्स फिर निकलते हैं। पानी पी लिया और फेस को भी मैं कवर कर लूँ, जो स्कार्फ टाइप का होता है वो है, ठीक है। तो पानी और पी लेते हैं। तो पहनता हूँ अभी ग्लव्स फिर निकलना है को, तो मिलते हैं आपसे आगे। अब सीधे कोशिश करूँगा पिथौरागढ़ी मिले यार, क्योंकि बीच में मैं ग्लव्स उतार के वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा, तो पिथौरागढ़ी मिलते हैं, तो मिलते हैं आगे। तो भाई मैं फंस गया है अभी बहुत बुरा, देखो अंधेरा तो हो गया है काफ़ी, करीब 7:15 बज गया, मैं करीब तनिया से हूँ 5-7 किलोमीटर आगे। बुलेट हो गई मेरी ख़राब यार यहाँ पे, ये मेरी बुलेट का है क्लच वायर टूट गया है बिल्कुल फ्री हो गया, ये देखो गौर से यार ये क्लच वायर ही टूट गई मेरी, कैसे जाऊँ, बड़ी दिक्कत में आ गया यार भाई मैं तो। अरे क्लच वायर की वजह से ना कहीं मुझे रात को ही ना रुकना पड़ जाए, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन होगी, 5% बची है। 2 hours later पहुँच के हाथ मुँह धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए। बड़ा बुरा था आज का एक्सपीरियंस, मतलब कि जो क्लच वायर टूटी हुई बुलेट को करीब 60 किलोमीटर दूर से ड्राइव करके आया हूँ मैं आज पिथौरागढ़। मैकेनिक बोलता है कि न्यूट्रल चला के उसका गियर डाल लो, तो सेम वही चीज़ फॉलो किया, बट हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे, और करीब मैं करीब 9:30 के बाद पिथौरागढ़ पहुंचा, 7:30 चलने के बाद करीब, वही ठंड से ना बुरा हाल हो गया, गलत खराब तो अभी कम नहीं पहुँच के, हाथ मुँह धो लिया, अब पिया जा रहा है यहाँ पे सूप, ठंडा काफ़ी है यार। तो ये बन रहा है डिनर, प्याज टमाटर की सब्जी बन रही है मेरी डिमांड पे, तब तक फिलहाल ये सूप का एंजॉय लेते हैं, ठंड दूर की जाएगी उसके बाद करेंगे बढ़िया सा डिनर। तो डिनर स्टार्ट हो गया हमारा, ये है छोले और ये थोड़ी पनीर की सब्जी और थोड़ी हरी सब्जी, खाते हैं रोटी। The next day. तो भाई हो गई एक नए दिन की शुरुआत, और नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, और ये मेरी लाचार बुलेट, उसका कल क्लच वायर टूट गया, तो आज ये बाइक तो ऐसी खड़ी रहेगी, क्योंकि आज पे थोड़ा हल्की मार्केट भी बंद है और इसका काम तो अभी हो नहीं सकता है। तो क्लच वायर की नहीं ना बड़ी दिक्कत हुई, जैसे जैसे कल मैं इस बुलेट को पिथौरागढ़ पहुंचाया मैंने करीब 60-65 किलोमीटर बिना क्लच वायर के चलाया यार, तो
क्या कर सकते हैं, अजी ऐसी खड़ी रहेगी क्योंकि मार्केट बंद है। टूट गया था, बच गए दिन के दो। बड़ा बुरा हुआ कल मेरे साथ, मेरी बाइक का क्लच वायर टूट गया और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड थी। आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट दिखाया है आपको। 30% बैटरी बची थी, तो फिर किसी भी ऐसे मेरा मूड भी ख़राब था और फिर मैंने कोई ब्लॉग उसके आगे बनाए नहीं। और भाई किस्मत मेरी इतनी ख़राब, आज संडे बुलेट पिथौरागढ़ तो आ गई लेकिन अभी भी बुलेट खड़ी है भाई इसी साइड पे। फ्रेंड के रूम पे मैंने बुलेट खड़ी कर दी है और यहाँ की मार्केट ना आज पूरी क्लोज है। संडे को यहाँ का मार्केट क्लोज रहता है तो इस वजह से अभी हम तो आगे भाई घूमने, अब वो बुलेट को लेके अगर रोएंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा अपने साथ। अभी हम घूमने आ गए हैं पिथौरागढ़ से आगे, अभी हम आ गए हैं घूमने बड्डा की साइड को। अब बुलेट देखो कल सही होगी क्योंकि कल जब मार्केट खुलेगी उसके बाद ही उसका काम होगा, तब जाके बुलेट में क्लच वायर लगाएंगे तो उसके बाद तब यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल यार इस वाले ब्लॉग में ही पे एंड करते हैं। जो भी था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे साथ कल का। रात करीब 7 बजे के, मतलब शाम 7 बजे के टाइम पे मेरी बुलेट का क्लच वायर टूट गया और उसके बाद मैं हो गया पैदल। फिर मेरा ब्लॉग करने का मन भी नहीं किया और अभी जब फ़ोन चार्ज किया मैंने और यहाँ पे आके देखा तो शोरूम वर्कशॉप सब तंग रॉयल एनफील्ड के। तो गाइस इस ब्लॉग को करते ही पे एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।